एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल लास्ट मिनिट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर एम बैक विद अदर वीडियो दिस इज दमसीक्यूज फॉर सेमिस्टर सेकंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स पेपर टू सो वी आर गोइंग टूकस दार्ट ऑफ द कॉमर्स पेपर टू एमसीक्यूज तो हमने पहले पार्ट वन में काफी सारे एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस कर लिया था तो अभी हम इसको सेकेंड पार्ट में और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ताकि जो पेपर में आपके एमसीक्यूज बनेंगे उसके सारे कंसेप्चुअल बेस आपके क्लियर हो जाए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ द प्राइमरी बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर वॉन्ट फ्रॉम अ सर्विस इज कॉल्ड एस तो प्राइमरी बेनिफिट जो कस्टमर को या कंज्यूमर को एक सर्विस से चाहिए वो क्या होता है कोर बेनिफिट बेसिक सर्विस एक्सपेक्टेड सर्विस या आर्गूमेंटेड सर्विस तो ध्यान रखना जो भी प्राइमरी बेनिफिट चाहिए होता है एक कस्टमर को या एक कंज्यूमर को उसके सर्विस से वो होता है उसको बोलते हैं हम कोर बेनिफिट ठीक है कोर बेनिफिट मतलब जो प्राइमरी बेनिफिट होता है जो एक कस्टमर को एक एक कंज्यूमर को सर्विस से चाहिए होगा वो ठीक है जैसे अगर हम एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं समझो हमने एक फैन परचेस कर लिया एक गुड्स परचेस कर लिया दैट इज द फैन तो फैन परचेस कर लिया तो फैन का मेन कोर बेनिफिट क्या होना चाहिए सबको एयर ब्लो करना एयर देना हवा देना तो बेसिकली अगर हमने एक एयर कंडीशन परचेस कर लिया तो एयर कंडीशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या मेन प्राइमरी बेनिफिट क्या होना चाहिए कूल cool करना रूम तो ये कोर बेनिफिट का कंसेप्ट है तो प्राइमरी बेनिफिट दैट अ कस्टमर वॉन्ट्स फ्रॉम अ सर्विस इज कॉल्ड एज कोर बेनिफिट थ्री पीस आर पार्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स तो इनमें से इनमें से सर्विस मार्केटिंग मिक्स के लिए कौन सा पार्ट है ठीक है तो बेसिकली फोर पीस ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा फोर पीस तो सभी को पता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन तो उसके अलावा थ्री और एक्स्ट्रा पीस आपको एड किए है वन इज पीपल प्रोसेस एंड प्रमोशन पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस या प्रमोशन पीपल एंड प्रोडक्ट तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका राइट right आंसर है पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस तो दिस थ्री पीज आर एक्स्ट्रा एडेड इन दिस सर्विस मार्केटिंग मिक्स तो टोटल सर्विस मार्केटिंग में सेवन पीज होंगे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये तो होने ही वाला है इसके साथ और थ्री पीस एडिशनल वी आर एडिंग दैट इज पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको आपके एग्जाम पर याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट सर्विस सेक्टर प्रोवाइड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ठीक है सर्विस सेक्टर जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स आप सभी जानते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज दी टैक्स तो टैक्सेस आर वन एंड वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड टैक्सेज इज बेसिकली कलेक्टेड बाय द टू सोर्सेस वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है बहुत सारे जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके बेसिस पे हम हमारे डायरेक्ट टैक्स को या इनकम टैक्स को काउंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्विस सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द फॉलोइंग कौन से इनमें से पॉइंट से सर्विस सेक्टर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी जीएसटी या वैट तो सिंपल है आई थिंक इसका लॉजिकली भी आप आंसर सही से दे सकते हो देखो बेसिकली सबसे पहले जीएसटी जब लाया गया फर्स्ट जुलाई 2017 में तो फर्स्ट जुलाई 2017 से पहले जब कंसेप्ट फॉलो होता था तब सर्विस टैक्स लगता था लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया एक नया कंसेप्ट लाया फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन में जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसमें सारे के सारे टैक्सेस जो है वो इंटीग्रेट हो चुके हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर अभी एक ही टाइप टा, टाइप का टैक्स लगता है एज पर द रेट्स तो इसका राइट right आंसर बनेगा जीएसटी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर लेवल्स ऑफ एडिक्वेट सर्विस आर इन्फ्लुएंस बाय डैश फैक्टर्स तो जो लेवल्स होते हैं सर्विसेज के वो कौन से फैक्टर्स से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं नेचुरल साइंटिफिक एनवायरमेंटल या सिचुएशनल तो याद रखना जो भी आपके एडिक्वेट लेवल के जो सर्विसेज होते हैं जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर तो सिचुएशनल फैक्टर्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं डैश कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स तो इनमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जिससे हम मार्केटिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे मार्केटिंग रिलेटेड जो डिफिकल्टीज होगी वो सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनस आर मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केट सेगमेंटेशन या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो ध्यान से वॉट एवर प्रॉब्लम्स अराइजेस इन द पार्ट ऑफ मार्केटिंग वी आर यूजिंग अ सिस्टम कॉल्ड एज मार्केटिंग रिसर्च तो इससे हम क्या करते हैं मार्केट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कलेक्ट करने का काम करते हैं जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करते हैं और जब कभी भी कोई भी मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं तब हम ये डेटा का यूज करते हैं एंड इसी कंसेप्ट को बोला जाता है मार्केटिंग रिसर्च दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग रिसर्च नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनरली अ कंपनी कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम डैश सोर्सेस देखो कंपनी जो है बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है कंपनी को पता होना चाहिए कि मार्केट के सिनेरियोस क्या है मार्केट में पोजीशन क्या है उनके कंपनी की पोजीशन क्या है कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज क्या है कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एवरीथिंग कंपनी वांट्स द इन्फॉर्मेशन कंपनी वांट्स द डेटा तो बेसिकली जो कंपनी है ये किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है जनरली वर्ड यहाँ पे यूज किया है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी uh, इनमें से एक ही डेटा के बेसिस पे एक ही पार्ट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है बट जनरली पूछा गया है इंटरनल प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी ध्यान से तो सेकेंडरी डेटा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं जो भी इंफॉमेशन हमको सेकेंडरी सोर्सेज से मिलती है जैसे कि हमें गूगल से इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि हमें आ, आ, कोई मैगजीन से इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर से इन्फॉमेशन मिलती है सॉवेनियर से इन्फॉर्मेशन information... एवरी थिंग इज कंसिडर एज अ सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा मतलब अगर हमने कोई questions बनाए जिसको हम कहते हैं और वो हमने हमारे जो कस्टमर्स थे या जो हमारे persons थे जिनसे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनसे अगर हमने डेटा फिलअप करके ले लिया फिर उसको एनालाइज किया फिर उसको इंटरप्रिट किया दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा ठीक है तो इसके लिए आंसर रहेगा आपका सेकेंडरी डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर डैश इज डन टू फाइंड आउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस आइडिया जनरेशन कंसेप्ट टेस्टिंग रिव्यू या टेस्ट मार्केटिंग ध्यान से अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होगा या वो रिजेक्ट होगा डायरेक्टली हम अगर मार्केट में सर्विस इंडस्ट्री जो मार्केट में डायरेक्टली वैसे टाइप की सर्विस लेके आएगी तो फिर वो लॉस में भी जा सकती है जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए जो उनका कंसेप्ट है उसका टेस्टिंग किया जाता है तो इसका राइट आंसर बनेगा कंसेप्ट टेस्टिंग तो कंसेप्ट टेस्टिंग किया जाता है वेनेवर उट दिलिटी ऑफ अव सर्विस नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनमें से ऐसे कौन से टाइप का रिटेलिंग फॉर्मैट है जो तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जहां पर होती है तो आपको पता ही होगा रिटेलिंग फॉर्मेट में दो मेजर फॉर्मेट आते हैं वन इज कॉल्ड एस ऑर्गेनाइज रिटेलिंग और अनदर इज कॉल्ड एस अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग ठीक है और मल्टी लेवल और सिंगल लेवल ऐसे कोई टाइप्स का रिटेलिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज दो में से हमारा एक आंसर बन सकता है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है क्या बोल रहा है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट किस में होगा मतलब जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जो आपका कॉस्ट होता है जो रूटीन एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए आप खर्चा करते हो वो सबसे ज्यादा किस में होगा ऑर्गेनाइज में होगा या अनऑर्गेनाइज में होगा ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज में होगा क्योंकि लिए ऑर्गेनाइज रिटेलिंग मतलब जो मॉल्स होते हैं बड़े बड़े अगर मॉल्स है तो उतनी उसकी केयर भी लेनी पड़ेगी बहुत सारा उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा बहुत सारे उसके अदर एक्सपेंसेस होंगे तो ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही रिलेट करते हैं और सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपका ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में रहेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज रिटेलिंग नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई शॉपिंग एरिया रेंजिंग फ्राम सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायेयर फिट और मोर तो ऐसा कौन सा पॉइंट है इनमें से जो सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायोयर फीट मिनिमम या उससे ज़्यादा होता है मॉल्स मल्टी ब्रैंड आउटलेट्स सुपर मार्केट्स या डिस्काउंट स्टोर तो याद रखना सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायेयर फिट या फिर उससे ज़्यादा का अगर कोई पॉइंट अराइज होता है तो दैट इज बीन कॉल्ड एज दैट इज दी मॉल्स तो मॉल्स काफी बड़े होते हैं मॉल छोटे नहीं होते बिकॉज एक मॉल वन वन फ्लोर का नहीं होता टू फ्लोर थ्री फ्लोर्स का मॉल होता है और उसमें सारे शॉप्स हमको देखने मिलते हैं बट ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट अभी दो पैंडमिक सिचुएशन है उसमें मॉल्स में जितने भी शॉप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है बिकॉज ड्यू टू दी पैंडमिक सिचुएशन मॉल्स वगैरह सब क्लोज है सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी है तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेकिन ये कभी ना कभी 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 प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जैसे ही ये सब कंट्रोल हो जाएगा वैसे ही मॉल्स फिर से फिर शुरू हो जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई शॉपिंग एरिया रेंजिंग फ्रॉम सिक्सटी थाउजेंड फीट और मोर तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा राइट right आंसर बनेगा मॉल्स तो और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मॉल मैनेजमेंट ठीक है मॉल मैनेजमेंट का सबसे और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखो एलिमेंट यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम कि मॉल में अगर हम जाएंगे तो सब कुछ सिस्टमेटिकली डिवाइडेड होता है आपने देखा ही होगा फर्स्ट फ्लोर में जो शॉप्स है सेकंड फ्लोर में जो शॉप्स है या ग्राउंड फ्लोर में जो शॉप्स है आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम जो थर्ड फ्लोर होगा उसमें मल्टीप्लेक्स और या उसमें फूड फूड कोर्ट होगा जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होंगे उसमें आपके कपड़े के शॉप्स या बाकी के भी शॉप्स आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे बिकॉज ये जो थर्ड फ्लोर है इसमें मल्टीप्लेक्स क्यों रखा है या इसमें फूड कोर्ट क्यों रखा है या इसमें गेमिंग जोन क्यों रखा है बिकॉज जो भी बंदा है जिसको मल्टीप्लेक्स में जाना होगा वो थर्ड फ्लोर पे भी जाएगा ही जाएगा लेकिन वो थर्ड फ्लोर पे जब जाएगा तब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के होते हुए जाएगा तो उसकी नज़र आजू बाजू के शॉप्स पे पड़ जाएगी और वो शॉप्स में अगर वो अट्रैक्ट हो गया तो ही कैन ऑल्सो डू शॉपिंग फ्रॉम दैट तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं मॉल मैनेजमेंट के उसको क्या बोला जाता है टोविंग जोनिंग बीडिंग या जीमिंग तो उसको बोला जाता है जोनिंग याद रखना दैट इज़ बीन कॉल्ड एज जोनिंग तो आज हमने दस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है एंड आई होप कि आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट इसके साथ रिवाइज हुए हैं सो दिस इज द पार्ट सेकेंड आपको बहुत सारे एम सी क्यूज की सीरीज अभी टाइमली बेसिस पे मिलने वाली है तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले अभी ताकि अगले नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे एंड टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि इसके सारे पी डी एफ्स में वहाँ आपको शेयर करने वाले हो Thank you very much from this session. As always, work harder, be smarter.